गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए पेपर 5 जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग है उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि शिक्षकों की स्थिति, उनकी व्यवस्था, उसके सुधार के लिए भारत के विभिन्न तरह के आयोग ने क्या बातें बताई। तो उससे पहले हम जान ले कि जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफेक्टिव टीचिंग क्या है, टीचर का इफेक्टिवनेस क्या होता है, एक आदर्श शिक्षक कैसे होते हैं, विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक शिक्षक को क्या क्या दायित्व निभाने पड़ते हैं। तो अब तक हमने यही डिस्कस किया कि शिक्षकों की क्या भूमिका है और शिक्षकों की क्या कार्य करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है बच्चों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, स्कूल के प्रति, प्रशासन के प्रति, इन सब चीजों को हमने विस्तार से जाना और समझा। आज हम शिक्षकों पर बात करेंगे कि शिक्षक जो है, जो देश के लिए, समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है, समाज का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थितियां कैसी है, वे किस स्थिति में, किस परिस्थिति में शिक्षण कार्य करते हैं, किस तरह विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उनकी दशा क्या है। तो ये चीज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शिक्षक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से यदि वो कमजोर रहेगा, पिछड़ा रहेगा, तो वो समाज को बेहतर कैसे बना सकता है। कहावत है ना, भूखे पेट ना भजन गोपाला, अर्थात भूखे पेट ईश्वर की भी स्तुति नहीं की जा सकती है। तो इसी संदर्भ में शिक्षकों की भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक जो समाज के लिए अपना जो योगदान देते हैं, उनका जो कार्य, जो क्या कहते हैं, अति महत्वपूर्ण होता है, तो वैसे में उनके लिए, उनके बेहतरी के लिए भी ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं जाता है और इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। देश हमारा 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद जैसे जैसे देश में विभिन्न तरह की चुनौतियां आई, परिस्थितियां आई, वैसे वैसे देश का शिक्षा भी राजनीति के साथ साथ बदलता चला गया। तो शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए समय समय पर बहुत सारे कमीशन आए, कमिटी आए, जिन्होंने अपना काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सके। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि मुदालियर आयोग ने शिक्षकों के स्थिति में सुधार के लिए, उनके बेहतरी के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे, क्योंकि आजादी के बाद राधा कृष्ण कमीशन जो यूनिवर्सिटी के लिए था, उसके बाद जो शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को लेकर जो निचले क्रम की शिक्षा है उस पे सबसे पहले जो आयोग बना वो किनका था, मुदालियर का। तो मुदालियर आयोग, जिनका एक दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो मुदालियर आयोग कहिए या माध्यमिक शिक्षा आयोग कहिए, दोनों एक ही होता है। यह आयोग 1952-53 में इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था और इस आयोग ने शिक्षकों के बेहतरी के लिए, उसके सुधार के लिए अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। आज उसी को डिस्कस करेंगे। सजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर्म रिफॉर्म इन कंडीशन ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की दशा में सुधार के लिए
मुदालियर आयोग की प्रमुख सजेशंस यानी सुझाव। तो आइए बात कर लेते हैं कि मुदालियर आयोग ने शिक्षकों की स्थिति को सुधार करने के लिए क्या क्या अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। तो सबसे पहले शिक्षकों की स्थिति पर जब बात की गई तो मुदालियर आयोग ने बहुत ही गंभीर बात बताई है कि इस देश में शिक्षकों का जो कार्य है, उनका जितना महत्वपूर्ण कार्य है, जिस तरह वो शिक्षा देते हैं बच्चों को, ज्ञान देते हैं, उस हिसाब से देखा जाए, लहजा से देखा जाए कि शिक्षकों की जो स्थिति है, उनकी दशा क्या है, अन्य बाकी प्रोफेशन में जॉब करने वाले सेम योग्यता वाले व्यक्ति से भी बहुत खराब है। इतना ही नहीं, शिक्षकों से जो कम क्वालिफाई जो होते हैं, जिन शिक्षित होते हैं, ज्ञान जिनके पास होते हैं, डिग्रियां होते हैं, जिसे कम क्वालिफाई और कम निम्न पद वाला व्यक्ति भी, उसकी भी स्थिति शिक्षकों से काफी बेहतर। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक देश का भविष्य का निर्माण कैसे करेगा? तो इस हिसाब से हमें उस पे बहुत गंभीरता से सोचनी होगी और इस दिशा में मुदालियर आयोग ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो उसका बहुत सारे राज्यों ने, केंद्र ने उसकी बहुत सारी चीजों को अपनाया भी और इस दिशा में काफी अच्छे और जरूरी कदम उठाए भी गए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मुदालियर आयोग ने शिक्षकों को बेहतरी के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। सबसे पहले सिलेक्शन पॉलिसी एंड क्राइटेरिया। मुदालियर आयोग ने कहा कि शिक्षकों का जो चुनाव है, उनकी नियुक्तियां जो होती है, उसका एक क्या होना चाहिए, एक कमिटी के माध्यम से होना चाहिए, जिस कमिटी में उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी शामिल हो। तो एक ऐसा निश्चित कमिटी बने, एक फिक्स क्राइटेरिया हो कि प्राइमरी स्कूल के टीचर के क्या, उस कितनी शिक्षा होनी चाहिए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्लस टू के टीचर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता के अनुसार ही शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम व्यक्ति की काबिलियत और डिग्री को ही महत्व देते हैं। तो इस हिसाब से एक निश्चित फिक्स नॉर्म्स होना चाहिए पूरे राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर, और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षकों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो पहला ये था। दूसरा, सैलरी की बात करते हैं। वेतन भत्ता, शिक्षकों को वेतन भत्ता इतना सम्मानजनक हो कि वो अपना और अपने परिवार का गुजारा बेहतर ढंग से कर सके और उसे किसी तरह की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए उसका वेतन क्या होना चाहिए, उसके पद के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, वो परिवार के भरण पोषण के लिए ही चिंतित रहेंगे तो कभी भी वो शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी था कि उनका एक निश्चित सैलरी हो। सैलरी का भी ऐसे हर प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर, हाई स्कूल, प्लस टू या कॉलेज लेवल के जो टीचर्स, प्रोफेसर होंगे, उन सब की सैलरी क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता, क्षमता और क्या कहते हैं, हाँ, स्तर के हिसाब से होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर का एक फिक्स सैलरी होना चाहिए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्लस टू, और उन सभी की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन, अपना परिवार, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बेहतरीन ढंग से कर सके। नेक्स्ट, पोजीशन एंड सर्विस टर्म, उनकी क्या स्थिति है और सर्विस का क्या टर्म होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। तो शिक्षकों, कहा जाता है कि शिक्षक न केवल बालक को ज्ञान ही देता है बल्कि वो समाज का भी निर्माण करता है। तो समाज में उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। शिक्षक को केवल बालक ही नहीं
बल्कि संपूर्ण समाज उनको रेस्पेक्ट करे, इसलिए उनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। समय समय पर उनको हर तरह का प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे वे उनका सर्विस यदि शिक्षक बेहतर है, उनका हेल्थ बेहतर है, हर तरह से ठीक है, तो उनका जॉब 60 साल के लिए फिक्स होना चाहिए। और जितनी भी तरह की सुविधाएं होती है और जरूरतें होती है उसको टीचर्स को ध्यान में देना चाहिए, और उन्हें किसी शिक्षण कार्य के अलावा किसी अन्य कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है अदर फैसिलिटीज की अन्य सुविधाएं क्या दी जा सकती है शिक्षकों की, जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो सके। इसमें हो सकता है कि शिक्षकों के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा दी जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए। शिक्षकों का जो आवास होगा वो विद्यालय के निकट हो, जिससे विद्यालय आने जाने में और ज्यादा समय शिक्षक विद्यालय में दे सके। शिक्षकों के लिए ट्रिपल बेनिफिट स्कीम मुदालियर कमीशन ने बताया था। ट्रिपल बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत पेंशन, पीएफ प्रोविडेंट फंड और उनके लिए बीमा पॉलिसी, ये तीनों तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। यदि टीचर्स किसी भी ट्रिप पर जाए या किसी कार्य को लेकर जाए, यात्रा पर जाए, तो उसको TA DA जितनी भी तरह की सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए, जिससे शिक्षक और बेहतर ढंग से अपने कार्य को कर सके। और इसमें कुछ ये भी होनी चाहिए कि उसको आर्थिक रूप से विशेषकर इतना मजबूत बनाना चाहिए, हर तरह की सुविधा देनी चाहिए कि टीचर को ट्यूशन ना देना पड़े। और निजी तौर पर शिक्षण कार्य से जो प्राइवेट ट्यूशन दिया जाता है, इन सब पर रोक लगानी चाहिए, ताकि शिक्षक ज्यादा से ज्यादा समय विद्यालय पर दे सके, विद्यालय पर बच्चों पर दे सके सीधा। इसके लिए हर तरह की सुविधा दी जाए, जिससे शिक्षक भी अपना कार्य बेहतर ढंग से ईमानदारी से कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षकों की जो योग्यता है उसको और बेहतर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के अंतर्गत रिफ्रेशर कोर्स, अभिनव कक्षाएं जो होते हैं, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्स, छोटा लेकिन गहन जो कोर्स होते हैं वो, वर्कशॉप आदि का आयोजन करना चाहिए, जिससे क्या हो, बीच बीच में शिक्षकों की क्या हो, उनके ज्ञान में वर्धन हो, रिसर्च कार्य में उन्हें उनका ज्ञान देना चाहिए, बीच बीच में ट्रेनिंग देना चाहिए। उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का होना चाहिए। एमएड वैसे ही शिक्षक कर सकते हैं जिनको कम से कम 3 साल का विद्यालय में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। तो ये बहुत सारे चीज है ट्रेनिंग के माध्यम से, और जो शिक्षक ट्रेनिंग लेते हैं उनको पैसा ना लिया जाए, अलग से उन पर खर्च ना, बोझ ना दिया जाए इस तरह से। और देखिए उस समय जब ये मुदालियर कमीशन की बात कर रहे हैं, तो वो उस समय तुरंत हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश में कई तरह की समस्या थी। लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मुश्किल से लोग 10 इंटर ग्रेजुएशन कर पाते थे, पीजी तक पहुंच बहुत कम मात्रा में। तो ऐसे समय में उस समय क्या होता था कि जो इंटर पास होते थे वो प्राइमरी के टीचर बन जाते थे, जो ग्रेजुएशन पास हो जाते थे वो मिडिल हाई स्कूल के टीचर बन जाते थे, जो पीजी पास हो जाते थे उनको +2 का टीचर बना दिया जाता था। तो वैसे समय था, तो टीचर तो बना दिया गया उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन ट्रेनिंग, बात आती है ट्रेनिंग, तो वैसे शिक्षक जो अपनी डिग्री के बल पे विद्यालय पढ़ाने के लिए चले गए थे, तो उनको बीच बीच में क्या ट्रेनिंग देने की जरूरत थी, ताकि उनमें और कुशलता है, वो और बेहतरीन ढंग से शिक्षण कार्य को कर सके। तो इसके लिए मुदालियर ने सर्विस पीरियड में टीचर्स को, इन सर्विस टीचर जो थे उनके लिए भी कई तरह के ये सब कोर्स बनाए, इसमें रिफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्स बनाए, और जो फ्रेशर थे जो ट्रेनिंग लेते थे उनके लिए भी
बीएड एक साल का और डीएलएड दो साल का इस तरह का कोर्स बनाने की सलाह दी। और पूरे देश में एक तरह का ढांचा शिक्षकों की के लिए बनाने के लिए मुदालिया ने पुरजोर अपना सुझाव में इस बात पर विशेष करके जोर दिया। तो ये रहा मुदालियर के द्वारा शिक्षकों के स्थिति को बेहतर करने के लिए सुझाव। और इस पर बहुत सारे राज्य सरकारों ने केंद्र सरकारों ने बहुत सारे सुझाव को माना भी और उसके अनुसार शिक्षकों की स्थिति में बहुत सुधार है। इसके बाद भी बाकी जितने आयोग आए उन लोगों ने भी शिक्षकों के बेहतरी के लिए उनकी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।